गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में रविवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने बताया कि हमारी सरकार से 9 सूत्रीय मांगों पर वार्ता हुई थी, जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण एवं अन्य मांगों को माना जाए, अन्यथा हम लोगों ने 29 अगस्त को लखनऊ में विधानसभा को घेरने एवं विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष ज्योतिष पांडे, मंडल मंत्री रणजीत सिंह सहित संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा, अनिरुद्ध त्रिपाठी, मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 मार्च 2019 को माध्यमिक शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष श्री चेतनारायण सिंह जी सदस्य विधान परिषद, संरक्षक श्री राज बहादुर सिंह जी चंदेल सदस्य विधान परिषद और प्रतिनिधिमंडल के साथ एक वार्ता किया था, जिस वार्ता में 9 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। हमारी पहली मांग थी कि वित्तहीन विद्यालयों में जो हमारे शिक्षक साथी काम कर रहे हैं, उनके लिए एक सेवा नियमावली बनाई जाए और उन्हें प्रतिमाह 15,000 रुपया मानदेय सरकार राजकोष से उनके खाते में सीधे भेजे। हमारी मांग थी पुरानी पेंशन, आज एनपीएस का पैसा कहाँ जा रहा है, किस खाते में जा रहा है, इसका कोई हालचाल लेने वाला नहीं है। सरकार ने तय किया था कि हम एनपीएस के पैसे को सुरक्षित एक स्थान पर रखने के लिए एक आदेश जारी करेंगे और वो उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में होगा, जिसका कि जीपीएफ के बराबर कर्मचारी और शिक्षकों को उसका ब्याज मिलेगा। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जो अडाक के साथी हैं, उन्हें अद्यतन विनतीकरण की हमारी मांग बरसों पुरानी है। सरकार ने वादा किया था कि कोई भी अडाक शिक्षक अपने पद से हटाया नहीं जाएगा, वो काम करता रहेगा, आगे चल करके उनके विनियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जो विशेषज्ञ साथी हैं, उनकी पुरानी सेवाओं को जोड़ने की बात थी, ऐसे हमें मेडिक्लेम की सुविधा देने की बात थी, हमारे व्यावसायिक शिक्षकों संबंध बात थी। हमारे जो ये 9 बिंदु हैं, इन पर सकारात्मक चर्चा हुई, जिससे हमने अपने हड़ताल को स्थगित किया और पूर्व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो मूल्यांकन का कार्य चल रहा था, उसमें हमने सरकार का सहयोग किया, मूल्यांकन किया। लेकिन मार्च बीत गया और आज जब यहाँ प्रेस वार्ता अपने सम्मानित मंडल अध्यक्ष ज्योतिष पांडे जी और हमारे मंडल मंत्री आदरणीय रणजीत सिंह जी के साथ गोरखपुर और गोरखपुर मंडल के सभी हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तक सरकार का कोई सकारात्मक रूप नहीं रहा, जिसके नाते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने 18 तारीख को लखनऊ में एक बैठक करके तय किया है कि 29 अगस्त को हम लखनऊ में विधानसभा को घेरेंगे और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। इसी संबंध में आज एक प्रेस वार्ता है।